क्या ब्रूस ली की रफ्तार बिजली से भी तेज थी और क्या वो इतने मशहूर थे कि मरने के बाद भी लोग इनको भगवान मानते थे? चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। ब्रूस ली, ये नाम सुनते ही लोग इतने भावुक हो जाते थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उनके मरने के बाद उनके लोकप्रियता को बुनाने के लिए कई फिल्म डायरेक्टर्स ने ब्रूस ली जैसे दिखने वाले एक्टर को अपनी फिल्म में काम दिया, और साथ ही ये फिल्म्स धड़ाधड़ हिट भी होने लगी थी। यानी कि ब्रूस ली के नाम पर ऑडियंस कुछ भी देखने के लिए तैयार थी, चाहे वो सिंपल रोमांटिक मूवी भी क्यों ना हो। और इस टेक्निक से अपनी फिल्म हिट करने को ब्रूसप्लॉयटेशन नाम दिया गया था। अब बात करते हैं ब्रूस की बिजली सी फुर्ती के बारे में। दोस्तों ये बात सुन के आपको यकीन भी नहीं होगा कि ब्रूस ली आपका हाथ बंद करने से पहले ही आपके हाथ से सिक्का निकालकर अपना सिक्का आपके हाथ में थमा देने की हैरतअंगेज क्षमता रखते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने, ब्रूस ली इतने ज्यादा फास्ट थे कि 1962 में उनके फाइट के दौरान अपने अपोनेंट पर एक के बाद एक इमीडिएट 15 पंच और एक किक जड़ दी थी, और यह कारनामा ब्रूस ली ने मात्र 11 सेकंड्स के अंदर किया था। गाइस कैन यू बिलीव इट, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप 11 सेकंड्स में कितने पंच और किक्स मार सकते हो। अब किक्स की बात हो रही है तो ये बात ध्यान से सुनना कि ब्रूस ली की किक्स इतनी तेज थी कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक शूट के 34 फ्रेम धीरे करना पड़ा था ताकि लोगों को ये ना लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी आम शख्स को इतने स्पीड से लात चलाना लगभग इम्पॉसिबल है, और अभी भी शायद लोग इस फाइट को नकली मानते हैं। गाइस अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक तो बनता है यारो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।